हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बनाएंगे सबकी ऑल टाइम फेवरेट स्नैक जो बड़े ही शौक से खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आलू समोसे की। Please make sure to subscribe our channel for new recipes and for post notification please hit the bell icon and never miss an update. तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम समोसे का डो तैयार करेंगे। डो बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप्स ऑल पर्पस फ्लोर, 4 टेबलस्पून घी, 1/2 टीस्पून कैरम सीड्स जिसे हम अजवाइन भी कहते हैं, 1 टीस्पून सॉल्ट। सबसे पहले हम एक प्लेट में डालेंगे मैदा, ऐड करेंगे सॉल्ट, अजवाइन और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे घी और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा पानी डालते हुए गूंदेंगे। अब हमारा डो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे रैप कर 15-20 मिनट्स तक रेस्ट करने रख देंगे। तब तक हम समोसे की स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है 4-5 बॉइल्ड पोटेटोस, 1 कप फाइनली चॉप्ड अनियन, 1/4 कप ग्रीन पीस, 1/4 कप चॉप्ड कैरेट, ए हैंडफुल ऑफ स्वीट कॉर्न, ए हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स, 8-10 कैशूज, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ड्राई रॉ मैंगो पाउडर जिसे हम आमचूर पाउडर भी कहते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, ऐड करेंगे क्यूमिन सीड्स और कलौंजी और इसे 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। करेंगे अनियन और इसे कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे ग्रीन पीस, कैरेट और स्वीट कॉर्न और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे। ऐड करेंगे पोटैटोस अब हम एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे कैशूज और कोरिएंडर लीव्स और इसे 1 मिनट तक वापस से पकाएंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब हम तैयार करते हैं हमारा समोसा। अब हम इसे अनरैप करेंगे और इसे हल्का सा गूंदेंगे।
अब हम इसे चार इक्वल पीसेस में कट करेंगे। अब हम इसे एक एक करके रोटी जैसा बेल लेंगे। अब हम इसे टू पीसेस में कुछ इस तरह से कट करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा पानी लगाकर इसे कोन जैसा फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें हमारा स्टफ फिल करेंगे। और इसके एजेस पे पानी लगाकर कुछ इस तरह से प्लेट देंगे और इसे चिपका देंगे। हमारे समोसे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसे एक एक कर फ्राई करेंगे। अब हम हाफ फ्राई कर निकालेंगे। और इसे वापस से कुछ इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा समोसा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर लौट के आऊँगी एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।